हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले मैं कल की मेरी बिटिया की जो वीडियो पे आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे, उस सब उन सारे कमेंट्स के लिए, हर एक लाइक्स के लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और आपको अपना तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, मैं ज़रूर आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कल के बारे में कि मैं कहीं अपने काम में व्यस्त थी और मुझे नहीं पता मेरे बेटे के फ़ोन पे कब मेरी बेटी ने छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनाया और जब उसने आके मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि जैसे सब कुछ उसने बोल दिया, एक जेस्ट के फॉर्म में कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। इवन आई वॉज शॉक्ड। तो मुझे लगा कि लेट मी शेयर इन माई चैनल, थोड़ा सा हमारे चैनल में थोड़ा सा रंग बदल जाएगा, थोड़ा सा मस्ती में का माहौल हो जाएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और शायद हम लोगों को, हम सब को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली उस पर बहुत कुछ सीखने को था। दोस्तों, एक और चीज़ सीखने की थी कि देखिए, हम लोग अपने घर पे जब हमारे डीएम से हमारा सेपरेशन रहता है तो हम लोग इतने परेशान रहते हैं, हम हर वक्त रोते रहते हैं या परेशान रहते हैं या नेगेटिविटी में रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं या हम लोग खुश नहीं रहते हैं या हमारा अपने ही हस्बैंड से या वाइफ से अक्सर झगड़ा होता रहता है और हम लोग कितने ख़राब माहौल में रहते हैं। आप ये सोचिए कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा आपकी आपको बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा है, ठीक है, और वो आपसे हर चीज़ सीख रहा है जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो हमें अपने बच्चों को, चाहे हम कैसे भी हालात से गुजर रहे हों, ठीक है, इट इज़ योर ट्विन जर्नी, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो हमें अपनी पेरेंटिंग बहुत केयरफुली करनी है क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी एक्शन हमारा बच्चा हमसे कॉपी कर रहा है, राइट, हमारे संस्कार सीख रहा है। तो मेरी बेटी ने कब मुझसे ये सारे संस्कार सीख लिए, डेफिनेटली मैं उसको गाइड करती हूँ, घर में बात करते हैं, हमारे घर में चर्चा होती है, अध्यात्म की बातें होती हैं। सवेरे चाय के वक्त जब हम लोग चाय पीते हैं तो हम अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हम बैठ के उनसे अध्यात्म की बातें करते हैं, मेरे बच्चे मेडिटेशन करते हैं या चक्रास करते हैं अफर्मेशंस में। ज़रूर हमारे घर में एक आध्यात्मिक माहौल है और हम लोग आध्यात्मिक बातें करते हैं और क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम जो पेरेंटिंग करेंगे वही उनका आगे भविष्य होगा। तो ये चीज़ एक बिल्कुल सीखने वाली है। और अगर आप हम अपने बच्चों को एक ख़राब माहौल देंगे, ठीक है, या आप खुद परेशान रहेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें इनर चाइल्ड वुंड मिल जाए कि वो कल को ये ना कहें कि मेरी फैमिली एक डिसफंक्शनल फैमिली थी जहाँ झगड़े हुआ करते थे और इस कारण से मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बच्चे कल को ये ना कहें कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बड़ा नेगेटिव है, स्केरी है, डार्क है, राइट। तो आप लोग, ये एक चीज़ हम सबको सीखने को मिलती है कि हम ही अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और आगे हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे ये हमारे हाथ में है। चलिए, इस पर बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं ज़रूर वीडियो को बनाने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगी और इसका जवाब मैं चाहूँगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये मेरे आज के काउंसलिंग का एक्सपीरियंस था। मेरी काउंसलिंग में एक सब्सक्राइबर आई थी, डिवाइन फेमिनिन, जिसने मुझसे ये कहा कि मैम, एक महीने पहले मेरा DM मेरी लाइफ में आ गया, हमारा यूनियन हो गया और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब किस प्रकार से रहूं। तो जो एक बेसिक गाइडेंस जो होता है कि भाई आफ्टर यूनियन आपको अपने DM से कैसे रहना है, वो मैं उनको गाइडेंस दे रही थी। बट उन्होंने कहा, मैम लेकिन इस एक महीने के अंदर उसने मुझसे 5 बार फाइनेंशियल हेल्प ले ली, राइट। और तब मैंने पूछा कि तो वो आपसे बातें क्या, वो खुद से आपसे क्या बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो DM है वो सिवाय मुझसे, मेरे सामने हमेशा परेशानी ही दिखाते हैं। जैसे कि आपने कहा है DM को फाइनेंस का इशू होता है, तो मुझे, मैं समझती हूँ कि हाँ, मेरे DM को फाइनेंस का इशू था। शुरू में उन्होंने बहुत, जब उनकी उनकी अवेकनिंग हुई, उन्होंने ऐसा कहा, तो वो मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने कहा कि मैं इस कनेक्शन को महसूस करता हूँ लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैंने कितनी तकलीफ़ झेली। और मैंने उनसे पूछ के ही, मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त
और मैं जानती हूँ तुम्हारे सिवाय मुझे कोई और दे नहीं सकता। उसने उसको पैसा दिया। हफ्ता भर वो इंसान गायब रहा। हफ्ते भर के बाद फिर उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा। देखो मैं भी जानता हूँ कि आत्मसम्मान क्या होता है और तुम मुझे इतना प्यार करती हो, तुम मुझे दे भी दोगी, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं तुम्हें पूरा पैसा लौटा दूंगा। इस प्रकार से काउंसलिंग में बताया उस डिवाइन फेमिनिन ने, और इस प्रकार से उसने एक महीने में करीबन 3-4 बार उससे पैसा ले लिया। अब उसने मुझसे सेशन बुक कराया। उसने कहा कि मैम मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये वाकई अवेकनिंग है या सिर्फ मुझे कोई विक्टिम बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा टॉपिक आज ये है नहीं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखो कि क्या वो डिवाइन मैस्कुलिन वाकई अवेकन हुआ है या वो सिर्फ फाइनेंस के नाम पे डीएफ को यूज़ कर रहा है। तो क्या वो वाकई आपको लगता है डिवाइन मैस्कुलिन कभी फाइनेंस के लिए, जो रियल डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, क्या वो कभी ऐसा करते हैं? इन सब पे हम बातें आगे के वीडियोस में करेंगे, पर उसके पहले मैं आप लोगों के विचार जानना चाहती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, हम सब का फेवरेट 11-11। कई बार आप लोग सब जानते होंगे कि 11-11 की क्या वैल्यू है। हम सब के लिए भगवान की तरह है, भगवान के गेट की तरह है 11-11। सब लोग जब भी देखते होंगे 11-11 तो बस ऐसा लगता है कि बस कोई विश मांग लेते हैं, बस यूनिवर्स सामने ही है। मतलब हम सब के लिए बहुत ही प्रेशियस नंबर है 11-11, राइट? डेफिनेटली, क्योंकि ये नंबर है मैनिफेस्टेशन का। आप जब भी उसको देखते हो तो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे जॉब हो गई, चाहे फाइनेंस हो गया, चाहे रिलेशनशिप हुआ, नॉट ट्रेंड रिलेशनशिप बट यस जनरल रिलेशनशिप, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो करियर वाइज, जॉब वाइज, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। 11-11 आपको आपकी लाइफ चेंजिंग जब इवेंट होता है कि मे बी यू आर एंटरिंग इन द ट्विन जर्नी, या मे बी यू आर एट द एज ऑफ एट द एंड ऑफ रीयूनियन, कि आप यूनियन के बहुत करीब हैं, ये भी हो सकता है। 11-11 ये भी शो करता है कि आप जिस बंदे के बारे में सोच रहे हो वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जब भी आपकी उससे किसी ऐसे शख्स से आपकी बात हो रही है और उसके बाद आपको 11-11 दिखाई दिया, या उसका कोई फ़ोन 11-11 पे आया, उसका कोई मैसेज 11-11 पे आया, या उससे बात होने के बाद कुछ दिन में आपको एकदम से कोई ख़ास शख्स आपकी लाइफ में आया और आपको बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद आपको 11-11 दिखना शुरू हो गया, मीन्स कि आप एक ट्विन जर्नी में एंटर कर रहे हो, क्या मतलब होते हैं। या आप कभी किसी ट्रांजेक्शन से, मतलब किसी ऐसे ट्रांजिशन में हो आप अपनी लाइफ के उस फेज़ में जहाँ कि अब एक बड़ा चेंज आने वाला है, तब भी ये डिनोट करता है 11-11। ठीक है, हमारी जब भी एनर्जेटिक शिफ्ट्स होती हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, तब हमको 11-11 दिखता है। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ अ वेकअप कॉल ऑल्सो। ठीक है, कि आपको कोई ट्रिगर करने आने वाला है। ज़रूरी नहीं कि 11-11 हमेशा आपको अच्छाई के लिए दिखे, कि भाई वो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है या कुछ बिगनिंग होने वाला है या कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। समटाइम्स इट इज़ अ वेकअप कॉल ऑल्सो, कि समथिंग इज़ गोइंग टू, समवन इज़ कमिंग टू ट्रिगर यू एंड यू हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि हमारे एंजल्स हमसे इसी तरीके से बात करते हैं। ठीक है, या किसी से मिलने के पहले या किसी से मिलने के बाद, ठीक है, ये नंबर हमको दिखाते हैं। लेकिन इस नंबर की यूनियन में, रीयूनियन में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आज उस पर बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखिए, ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ये एक बहुत ही पावरफुल जर्नी होती है, और हमारा ट्विन फ्लेम जो होता है वो लिटरली अ कैटलिस्ट, मतलब हमारी इस जर्नी पे हमको किसने पुश किया है, हमारे ट्विन फ्लेम ने, तो वो एक कैटलिस्ट है। तो ये जब जर्नी हमारी शुरू होती है तो हमें सीखना रहता है, पड़ता है कि हमें सीखना है कि हमारी सोल ग्रोथ हम कैसे करें, हमें सीखना है कि हम अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, हमें सीखना है कि हम एक हारमोनी में कैसे आए अपने इस रिलेशन में, इसको हम लोग हारमोनियस यूनियन कैसे आए। ठीक है, और समझ लीजिए कि जब आपकी
आई मीन जब आपको सिर्फ 11 दिखता है मीन्स यू आर एक्सेलरेटिंग योर सोल ग्रोथ. जैसे कई लोग कहते हैं मैम हमको 11 दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि यस यू आर डे बाय डे एक्सेलरेटिंग योर सोल ग्रोथ, आप आगे बढ़ रहे हो. बट जब 11 दिखता है मीन्स वो डबल हो जाता है मीन्स यू नाउ इट्स अ टाइम ऑफ रीयूनियन व्हेन यू आर मर्जिंग टू एज टू ट्विन सोल्स मर्जिंग इनटू वन. तो रीयूनियन के टाइम पे 11 का मतलब यही होता है. इन द बिगनिंग यू इट डिस्प्लेस 11 कि यू आर एक्सेलरेटिंग योर इन योर ट्विन जर्नी इन सोल ग्रोथ एंड एट दैट यूनियन टाइम वो डबल हो जाता है. मतलब 11 मीन्स योर ट्विन सोल इज मर्जिंग इनटू वन. दिस इज कॉल्ड रीयूनियन. बट इस रीयूनियन के पहले हमको समझना है पोलैरिटी. अब आप कहेंगे कि पोलैरिटी तो मैडम हम जानते हैं क्या होता है, मतलब कि अगर आप उसको चेस कर रहे हो ठीक है, वो आपसे रन कर रहा है तो आप उसको चेस करोगे, जब वो आपको चेस करेगा तो आप रन करोगे. मतलब आपके अल्टीमेटली यहाँ पर जो गेम है वो इमोशंस का ही है. बस कि आज आपके इमोशंस इंटेंस हैं तो उनके इमोशंस ज़ीरो हैं, जब उनके इमोशंस आपकी तरफ होते तब तक आपके इमोशंस ज़ीरो हो जाते हैं और आप लोग शॉक में आ जाते हो. मुझे बहुत से मेल्स आते हैं मैम पता नहीं क्या हो गया, डीएम का मेल तो आया बट मुझे अब वो इमोशंस ही नहीं है. तो क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ट्विन जर्नी में नहीं है, दिस इज़ द गेम ऑफ पोलैरिटी कि जब आपकी इंटेंसिटी थी तब उनके इमोशंस ज़ीरो थे लेकिन प्यार था. जब उनकी इंटेंसिटी बढ़ी टूवर्ड्स यूनियन या रीयूनियन तब आपके इमोशन ज़ीरो हो गए, प्यार आपको भी अभी वो ब्लॉक कर देगा फिर से तो फिर आप तड़पोगे उनके लिए. दिस इज़ द गेम. तो क्या करना चाहिए ऐसी हालत में? देखिए ये जो जर्नी है या ये जो 11 नंबर है दिस इज़ द ब्रिज टूवर्ड्स द टू वर्ल्ड. एक है हमारा 3D, एक 5D. तो ये 3D से हमारी 5D की जर्नी है ठीक है. और ये भी कह सकते हैं कि हम एक कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में हमारा वो होता है. लाइक जब हम जानते नहीं थे तो एक हमारा एक अनकॉन्शियस माइंड था जो नहीं जानता था कि 11 की क्या वैल्यू है, लेकिन नाउ वी आर कॉन्शियसली नाउ वी आर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गए तो अब हमको ये 11 टाइमली हमको हेल्प करता है दिखता है. तो जब हमको ये इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है कि हम अब टुवर्ड्स रीयूनियन आ रहे हैं, हमको 11 दिखना बहुत ज़्यादा चालू हो गया, बिल्कुल रेनबो भी दिख रहा है एट द एंड ऑफ और 11 खूब दिख रहा है जब कोई सिग्निफाई कर रहा है कि यस यू आर टुवर्ड्स यूनियन. लेकिन प्रॉब्लम तब क्या आती है, आपके इमोशन ज़ीरो हो जाते हैं. तो ऐसे टाइम पर मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया था ईगो डेथ. तो आप अगर अभी से ही ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि चाहे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को ईगो है या नहीं है, मुझे मेरे ईगो की डेथ करनी है. अगर मेरा ईगो ज़ीरो हो गया तो उसका ईगो भी ज़ीरो हो जाएगा ठीक है. और जब हमारा ईगो ज़ीरो हो जाता है तब हम ये पोलैरिटी हम पे असर नहीं करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये आज हम ये खुद से कहें या हम आज बैठ के प्रेयर करें भगवान से कि हे भगवान मैं अपने आप को अपनी डिज़ायर को अपनी जर्नी को आपको सरेंडर करती हूँ, मैं सरेंडर मोड में आ रही हूँ ठीक है. मैंने अपने हाथ से खूब हाथ पैर मार लिए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे बस की बात ही नहीं है. ये जर्नी आपने दी, मेरे ट्विन से आपने मिलाया, बबल फेज आपके कारण से मुझे मिला, सेपरेशन भी आपने मुझे दिलाया, अलग भी आपने किया, ये जर्नी भी आपने दी और मिलाओगी भी आप. जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ठीक है. तो तू ही जान, तूने ही जर्नी दी है, तूने ही जर्नी करानी है, तूने ही यूनियन करवाना है, सब कुछ तेरे ही हाथ है और तू जो देगा मुझे बेस्ट देगा ठीक है. और तब तक मेरा जो ये टाइम है बीच का मैं इसको बेस्ट देने वाली हूँ. मुझे यकीन है मेरे खुदाबंद तू जो मुझे देगा बेस्ट देगा और तब तक का जो टाइम तूने मुझे दिया है इस जर्नी में चलने का उसे मैं बेस्ट दूंगी अपने इनर वर्क से खुद को इवॉल्व करके. और इस प्रकार से जब आप ज़ीरो ईगो में आ जाते हो आपकी ईगो की डेथ हो जाती है ठीक है, तो आपको फिर वो सफ़र नहीं करना पड़ता कि मैम क्या करें अब मुझे इमोशंस नहीं है लेकिन उसकी इंटेंसिटी है. देन यू कैन लिटरली एन्जॉय अ वेरी ब्यूटिफुल हारमोनियस
और परमानेंट यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आज मेरा वीडियो आपको यही बताने का था कि हाउ कुड वी कनेक्ट विद 11/11 व्हेन वी आर नियर अबाउट अवर रीयूनियन, और उस वक़्त जो हमारे इमोशंस होते हैं उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें बहुत प्रेशियस हैं जो कि होपफुली आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने इनर वर्क पे फोकस रखिए, सुपर पर्पस पे फोकस रहिए, अपने इश्यूज पे फोकस रखिए, उस पर आपको हील करना है, और कोई भी हर्ट वर्ण किसी के लिए नहीं रखना है। डिवाइन मास्कुलिन ने हर्ट किया आपको, वो उसका कर्मा था, जिसने भी हर्ट किया उसे फॉरगिव कर दो। हमें कोई भी वुंड नहीं रखना है, वरना हमें फिर से जन्म मरण के फेर में फंसना पड़ेगा। जिसने वुंड दिया उसको माफ़ कर दो, जिसको आपने वुंड दिया उसे माफ़ी मांग लो। डीएम ने हर्ट किया, हमारा कर्मा था, ठीक है, हमें लेसन सीखना था। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।